नमस्कार, बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में बिजली कनेक्शन के नए नियमों के बारे में। इसको लेकर जो है विभाग की तरफ से कही गई है कि इस डॉक्यूमेंट की जो है ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। बिहार में अब अगर आप नया बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो यह खबर जो है आपके लिए है। दरअसल बिहार बिजली विभाग ने बिजली के नए कनेक्शन को लेकर बदलाव किया है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो अब बिजली के नए कनेक्शन लेने के लिए ज़मीन की रसीद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह भी बताया गया है कि आम उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए बिजली विभाग ने इस तरह के नियमों में बदलाव करने जा रही है, जिससे कि यह कहा जा रहा है कि अब नए कनेक्शन लेने के लिए आपको ज़मीन की रसीद के बदले में अब जो है शपथ पत्र जमा करने की बात कही गई है। आगे हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर विभाग ने ज़मीन की रसीद को मानने से इनकार क्यों कर दिया है। विभाग की तरफ से ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लोग सालों से जिस मकान में रह रहे हैं उस मकान का कागजात उनके पास नहीं होता है। ऐसे में बिजली कनेक्शन में परेशानी आ सकती है। एक दूसरी समस्या यह सामने आ रही है कि जिस ज़मीन पर रह रहे हैं यह रैयती है या फिर खरीदगी की ज़मीन है। साथ ही साथ अब तो बिहार सरकार ने यह भी कहा है कि कोई भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति का व्यक्ति किसी गैर मजरूआ ज़मीन पर रह रहा है तो बिहार सरकार उसे बाहर नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में ये लोग ज़मीन का कागजात कहाँ से लाएंगे और अपने बिजली बिल में कनेक्शन के लिए जो है वो रसीद कहाँ से दिखाएंगे। ऐसे में यह भी कहा गया है कि ऐसे लोग जिनके पास ज़मीन की रसीद नहीं है या फिर वे गैर मजरूआ ज़मीन पर रह रहे हैं उन्हें ज़मीन का रसीद देने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें अब एफिडेविट देना होगा, यानी कि उन्हें शपथ पत्र देना होगा। आपको बता दें कि वर्तमान में जो नियम है उसके अनुसार दुकानदारों को शपथ पत्र के अनुसार ही बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है। साथ ही साथ बिजली विभाग यह भी चाह रही है कि शपथ पत्र के आधार पर ही घरों और व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोग के लिए भी बिजली का कनेक्शन दिया जाए। बिहार में इस बदलाव को लेकर बिहार विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष प्रस्ताव रखा गया है। बता दें कि इससे पहले बिजली कंपनी की तरफ से बिहार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2007 में बदलाव करने को कहा गया था। इसको लेकर एक प्रस्ताव भी आयोग के पास भेजा गया। हालांकि इसको लेकर एक बार सुनवाई हुई है जिसमें आयोग की तरफ से यह शंका जाहिर की गई कि अगर सिर्फ शपथ पत्र के आधार पर ही लोगों को कनेक्शन दिया जाता है तो अवैध तरीके से बिजली जलाने का मामला सामने आएगा। ऐसे में बिजली कंपनी ने जवाब देते हुए कहा कि अगर लोग खुद से अपने शपथ पत्र भर कर देंगे तो इसमें किस तरह की गड़बड़ी होगी, वो उसके खुद जिम्मेवार हो सकते हैं। इस तरह के मामले जो है वो सामने आए हैं। अगर मान लिया जाए कहीं ज़मीन किसी भी प्लॉट में जो है आप अपना घर बनाना चाहते हैं, वहाँ बिजली का कनेक्शन चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है सबसे पहले आपको जो है उस पूरे प्लॉट की रसीद जमा करनी होती थी। लेकिन अब जो है नया मामला सामने निकल कर आया है बिजली विभाग की तरफ से। उसमें कहा गया कि आप एक एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र जमा करेंगे जिसमें यह कहना होगा कि ये ज़मीन हमारी है, हम इस पर जो है गलत तरीके से नहीं काम कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का ब्यौरा जो है आपको देना होगा, उसके बाद आपका बिजली का कनेक्शन मिल सकता है। तो ऐसे में बिजली विभाग ने एक तरह से कहने कि नए कनेक्शनधारियों के लिए राहत दी है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।